जमीयत उलेमाए हिंद और जमात इस्लामिया हिंद के नेता पहुंचे हैं। जमीयत के राष्ट्रीय सचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी, जमात इस्लामिया हिंद के सचिव शफी मदनी भी पहुंचे हैं। घटना पर प्रशासन से बातचीत के लिए पहुंचे हैं मुस्लिम संगठन। अवैध मस्जिद मदरसा गिराने को लेकर यह पूरा बवाल हुआ था और प्रशासन से बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, 8 फरवरी को हिंसा पर बात करेंगे। घटना पर प्रशासन से बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए हैं मुस्लिम संगठनों के नेता, वहां पर पहुंचे हैं मुस्लिम संगठनों के कई नेता। हल्द्वानी पहुंचे हैं, जमीयत उलेमाए हिंद के नेता पहुंचे हैं, जमात इस्लामिया के नेता पहुंचे हैं। घटना पर प्रशासन के साथ बातचीत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और बातचीत करने के लिए शैलेंद्र नेगी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, मुस्लिम संगठनों के नेता पहुंचे हैं, किस तरह से इनकी बातचीत हो रही है प्रशासन के साथ और कितने लोग पहुंचे हुए हैं? देखिए, दो बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं मुस्लिम संगठनों के, जिसमें जमीयत उलेमाए हिंद और जमात इस्लामिया हिंद के दो बड़े नेता जो इनके राष्ट्रीय सचिव हैं वो पहुंचे हुए हैं। जमीयत के जो राष्ट्रीय सचिव हैं मौलाना हकीमुद्दीन कासमी और जमीयत इस्लामिया हिंद के जो सचिव हैं शफी मदनी, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो प्रशासन से बात कर रहे हैं और इस पूरे मसले की एक रिपोर्ट वो ले रहे हैं कि आखिर ये हुआ क्यों है। प्रशासनिक पक्ष वो समझ रहे हैं, हालांकि वो जाना चाहते हैं उस इलाके में, अब उन अल्पसंख्यक लोगों से, मुस्लिम लोगों से वहां पर बात करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन फिलहाल उनको वहां जाने की इजाजत नहीं दे रहा है। वो वहां फिलहाल नहीं जाएंगे, लेकिन अभी इस समय तहसील जो कैंपस है वहां पर जो जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, जो तहसीलदार हैं, वो उनसे उनका पक्ष समझ रहे हैं, यानी पूरी की पूरी घटना कैसे हुई और क्या क्या विवाद थे इसको लेकर के, और ये सब चीजें वो इस समय समझ रहे हैं। और कुल मिलाकर के जो जमीयत हो या फिर जो दूसरा संगठन हो, दोनों ही बड़े संगठन हैं मुस्लिम्स के, उनके नेता ये समझना चाहते हैं कि आखिर ये पूरा का पूरा विवाद हुआ कैसे है और ग्राउंड रियलिटी अभी क्या है। बिल्कुल शैलेंद्र, नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।